hello everybody i welcome you all again to the session of physics uh, so this time we are covering up the part 8 of electricity which is basically covering electric power heating effect of uh, current and at the same time commercial unit of energy so this is going to be the last uh, part for theoretical aspect because more or less we have covered all the theoretical aspects of uh, electricity chapter आई विल बी ऑल्सो कमिंग अप विद वन मोर पार्ट स्पेसिफिकली रिलेटिंग टू दी द न्यूमेरिकल विच आर पावर बेस्ड एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बेस्ड सो इससे पहले हमने जो पार्ट किया था उसमें हमने न्यूमेरिकल्स कवरअप किया था बेसिक न्यूमेरिकल्स ऑफ सीरीज एंड पैल कॉम्बिनेशन नाव वी आर ऑलमोस्ट कमिंग अप टू दी एंड ऑफ द चैप्टर इस पार्ट में सबसे पहले मैं आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के मेरिट्स और डी मेरिट्स के बारे में बताना चाहता हूँ यहाँ पे सबसे पहले मैं डी मेरिट सीरीज कॉम्बिनेशन बताना चाह रहा हूँ सो व्हाट इज हैपनिंग इन डी मेरिट और समटाइम्स दे कॉल इट एज द लिमिटेशन और द ड्रॉबैक ना इफ यू कम टू दिस पर्टिकुलर डाइग्राम और दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक सर्किट द ओनली प्रॉब्लम विद दिस सर्किट इज़ दैट नो डाउट बोथ द रजिस्टेंस विल भी हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ करंट ओके यहाँ पे रेजिस्टेंस मैंने दिखा रखा है ये कोई अप्लायंस भी हो सकता है ये कोई बल्ब भी हो सकता है कुछ भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो सकता है ये ओके okay? तो सबसे पहली बात सबसे पहला जो ड्रॉबैक है जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है हम इंडिविजुअल अप्लाइंसिस को इंडिविजुअल स्विचेस नहीं दे सकते ओके okay? तो प्रॉब्लम क्या होगा अगर मैं मान लो यहाँ पे मैंने कोई स्विच अप्लाई कर दिया और अगर मैं इसको स्विच ऑन करता हूँ तो सारे वर्क करना शुरू कर देंगे एट द सेम टाइम कहीं पे भी आप कोई भी स्विच लगा लो ओके सो यू कैन नॉट अप्लाई मल्टीपल स्विचेस इन सीरीज कॉम्बिनेशन दैट्स अ फर्स्ट ड्रॉबैक सेकेंडली मान लो ये वाला अप्लायंस मान लो ये वाला अप्लायंस ये इट्स स्टॉप्स वर्किंग राइट वॉट विल हैपन जैसे ही अप्लायंस बंद हो जाएगा इसका इस पर्टिकुलर सर्किट का करंट ब्रेक हो जाएगा यानी कि एक ओपन सर्किट बन गया और जैसे ही ओपन सर्किट बन गया तो ये वाला अप्लायंस विल स्टॉप वर्किंग सो इफ एनी वन ऑफ द अप्लायंस बिकम्स फॉल्टी द अदर अप्लायंस बिकम्स और द अदर अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग सो दैट इज़ अ इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड हेयर कि कोई भी एक अप्लायंस अगर वर्क करना बंद कर जाता है तो बाकी अप्लायंसेस भी बंद करना वर्क करना बंद कर जाएंगे थर्डली सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि सबका अलग अलग वोल्टेज होता है तो यहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं एवरी एवरी अप्लाइंस इज़ नॉट गेटिंग द सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज सो देर बी सम वोल्टेज फ्लक्चुएशनस एंड थर्डली जितना बड़ा सीरीज कॉम्बिनेशन करते जाओगे उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा क्योंकि लेंथ बढ़ रहा है और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट की कंपेरेटिव वैल्यू वहाँ पर कम हो जाएगी तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में मोरलेस हर तरफ ड्रॉबैक्स ही ड्रॉबैक्स है इसलिए वी कैन नॉट यूज़ सीरीज कॉम्बिनेशन इन आर हाउस होल्ड वायरिंग हाउस होल्ड वायरिंग के लिए हम लोग किसको प्रेफर करते हैं पैरल कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन इज अ बिग नो बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन वॉट इज द रीज़न फर्स्ट ऑफ ऑल इफ एनी वन अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ऑल अदर अप्लायंस ऑल्सो स्टॉप वर्किंग वॉट इज द रीजन बींग बिकॉज सर्किट ब्रेक हो जाएगा कोई अगर एक अप्लायंस फॉल्टी हो जाता है मान लो तो वो फॉल्टी अप्लायंस क्या कर देता है सर्किट को ब्रेक कर देता है तो आगे आने वाले अप्लायंस को करंट नहीं मिलेगा एक ही स्विच पॉसिबल है सीरीज कॉम्बिनेशन में मल्टीपल स्विचेस पॉसिबल नहीं इफ़ यू स्विच ऑन वन अप्लायंस All other appliances will start working, and if you switch off one appliance, all other will also stop working. Uh, thirdly, they don't get the same voltage. That means there can be uh, fl uh, possible fluctuations in uh, voltage. And fourth, the overall resistance is going to increase in the series combination. So, what is going to happen? The current will definitely reduce. Okay. So, these are the demerits of uh, series combination. Now, coming on to the merits of parallel combination and what we use. Our household. Hai, हम लोग जो घर की जो वायरिंग करते हैं वो पैरल कॉम्बिनेशन में ही करते हैं पैरल कॉम्बिनेशन डज मीन कि वो एकदम पैरल ही होना चाहिए इट मीनस कनेक्शन आर आई मीन ऑल द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स दैट इज वॉट दैरल कॉम्बिनेशन इज ऑल अबाउट तो अगर आप यहाँ पे देखोगे लेट सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी सो पॉइंट ए के बीच ए और बी के बीच में बहुत सारे अपलायंस लगे मान लो अब मैं क्या कर सकता हूँ मैं इस वाले अप्लायंस को इंडिविजुअल स्विच दे सकता हूँ इस वाले अप्लायंस को इंडिविजुअल स्विच दे सकता हूँ मान लो दिस इज अप्लायंस एक्स एंड दिस इज़ अपलायंस वाई सो जब मैं एक्स को स्विच ऑन करूंगा तो सिर्फ एक्स ऑन होगा वाई ऑन नहीं होगा सो दैट इज दमेजिंग फैक्ट ईयर सो एंड दूसरी बात क्या है अगर मान लो एक्स फॉल्टी हो गया एक्स खराब हो गया मान लो तो एक्स खराब हो गया तो वाई को कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा वाई तब भी चलेगा सो इफ एनी वन ऑफ द अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग इन पैरल कॉम्बिनेशन द अदर अप्लायंसेज आर स्टिल वर्किंग नॉर्मली इट डजन अफेक्ट द अदर अपलायंसेज पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट जैसे मैंने आपको दिखाया इंडिविजुअल अपलायंसेज कैन हैव देयर इंडिविजुअल स्विचेस पैरल कॉम्बिनेशन में इंडिविजुअल स्विचेस पॉसिबल है थर्डली अब क्योंकि ये सारे के सारे अपलायंसेज दे आर बिटवीन सेम टू पॉइंट्स दैट मींस वोल्टेज इज गोइंग टू बी सेम और ये तो आपको पता ही है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सिमिलर रहता है तो नो वोल्टेज फ्लक्चुएशन और क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ओवरऑल रेजिस्टेंस कम रहता है तो करंट की वैल्यू अच्छी खासी अंदर जाती भी है ठीक है सो इफ यू कंपेयर द सीरीज एंड पैरल कॉम्बिनेशन द पैल कॉम्बिनेशन इज हैविंग मोर एडवांटेज एंड दैट इज वैट इज बीइंग यूज्ड मोरली फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज और डोमेस्टिक वायरिंग के लिए हम लोग यही यूज़ करते हैं जियो सो so ये एक क्वेश्चन डेफिनेटली दे कैन आस्क यू वॉट आर द मेरिट्स ऑफ पैरल कॉम्बिनेशन अगेन मल्टीपल स्विचेस कैन बी देयर इफ एनी वन अपलाय स्टॉप्स वर्किंग अदर स्टिल वर्क

इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है एनर्जी वर्क डन इज आल्सो इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड ओके तो हाउ मच वर्क इज डन इज बेसिकली हाउ मच एनर्जी इज बीन कंज्यूम मान लो टेन जूल ऑफ वर्क कर रहा है कोई चीज तो टेन जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम हो रहा होगा तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में वी आर फोकस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पवर सो वैन आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक पवर दैट मींस आई एम डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क अपॉन टाइम सो इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नॉट नोन एज इलेक्ट्रिक पावर सिंपल डेफिनेशन एंड फार्मूला वही है पी इजल टू डब्ल्यू पॉन्ट टी यहाँ पे पावर की ऐसा यूनिट जैसे हमने नाइन्थ क्लास में सीखा इट इज वॉट एंड द हायर यूनिट इज किलो वॉट विच इज थाउजेंड वाट्स और इफ इट इज यूजिंग अ मेगा वॉट देन इट इज टेन टू द पावर सिक्स वॉट्स सो वॉट यू मीन बाई सेंग वन वॉट वन वॉट कब होता है जब वन जूल ऑफ वर्क इज डन इन वन सेकेंड या फिर वन जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन वन सेकेंड दैट इज वॉट मेड बाय वन वॉट तो यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक पावर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन पर यूनिट टाइम और द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम बस आपको ये वर्ड इलेक्ट्रिक एड ऑन करना है जो हमने नाइन्थ क्लास में पावर पढ़ा है वही है एग्जैक्ट सेम बस द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी हैजू बी देयर ओके ना यू नो दैट पी इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन्टी और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज पी इजिकल टू ई अपॉन्टी बिकॉज डब्ल्यू एंड ई बोथ आर सेम नाव अब हमें इस पावर uh, वाले इक्वेसन को हमें किस से रिलेट करना है रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट से रिलेट करना है तभी तो एक इलेक्ट्रिसिटी uh, चैप्टर से रिलेट होगा ई इजगल टू डब्ल्यू अपॉन्टी एंड ई इजगल टू अब पी इजिकल टू डब्ल्यू अपी हमने नाइन्थ में भी सीखा हुआ है अब इसको टेंथ लेवल में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेट करवाने अब हम कैसे रिलेट कराएंगे हमारे पास तीन फॉर्मूला है P यानी कि पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इन करंट पी इज ईकल टू वी आई पी इज इकल टू आई स्क्वायर आर एंड पी इज इकल टू वी स्क्वायर बाय आर सो वी आर हैविंग थ्री फार्मूलाज ईयर पी इज इक्वल टू वी आई देन पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर एंड लेट मी टेल यू दिस इज द बेज फार्मूला ये अगर बेस फार्मूला आपको डिराइव करना आ गया तो ये दोनों तो इसके साथ बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा ओके okay? ना फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम डिराइविंग द बेस फॉमूला पी इजिकल टू वी आई कैसे आया ये देखते हैं हमें सबसे पहले जो हमने क्लास दिया था उसमें मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बताया था वी इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू ये कहाँ से आया अमाउंट ऑफ वर्क डन इन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूविंग ठीक है सो वी इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू ये मेरा अब इस इक्वेशन को मैंने कैसे लिख दिया डब्ल्यू के फॉर्मेट में लिख दिया तो डब्ल्यू इजिकल टू वी इन टू क्यू ये क्यू उधर चला जाएगा सो डब्ल्यू इजिकल टू वी इन टू क्यू अब मैं क्या कर रहा हूँ पावर का फॉर्मूला क्या है डब्ल्यू अपॉन टी ओके इस डब्ल्यू के वैल्यू को मैं उठा के रख दूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास क्या मिला पी इजिकल टू वी इन टू क्यू अपॉन टी वी इन क्यू था क्योंकि वहाँ पे पहले डब्ल्यू था डब्ल्यू की वैल्यू वी इन क्यू थी तो मैंने वी इन क्यू रखा नाउ यू नो दैट करंट का फॉर्मूला क्या है आई इजिकल टू क्यू बाई टी अगर आई इजिकल टू क्यू बाई टी अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्यू अपॉन टी बन रहा है तो क्यू अपॉन टी क्या बन गया करंट सो पी इजिकल टू वी आई हैंस हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया ओके okay? अलगो अगेन सबसे पहले मैंने कौन सा क्वेश्चन उठाया था वी इज इक्ल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू देन डब्ल्यू को किसके इक्वलेंट रखा वी इंटू क्यू देन बेस फॉर्मला यानी कि हमारा जो पवर का फॉर्मला पवर का फॉर्मला क्या था डब्ल्यू अपॉन टी वर्क डन अपॉन टेन उस वर्क डन के जगह पर वी इंटू क्यू रख दिया एंड यू नो देट आई इज इक्ल टू क्यू बैटी एंड यहाँ पे आई क्यू अपॉन टी आ रहा है तो वो उसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया आई से रिप्लेस कर दिया सो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट ये हमारा बेस फॉमला आ गया अब मुझे प्रूफ करना है सेकंड P इज टू आई स्क्वायर आर करना कुछ नहीं है बेस हमारा जो फॉर्मूला है ना बेस फॉर्मूला P इक्वल टू वी आई में उसमें ओम स्लो लगा दो यानी कि ओम स्लो क्या है V इज टू आई आर अब V की वैल्यू को उठा के रख दो आप यहाँ पे तो V की वैल्यू रख दोगे तो क्या मिलेगा P इज इकल टू आई आर इंटू आई आई आर इंटू आई यू पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर सो इट इज़ दैट ईजी ओके मूविंग टू द थर्ड इक्वेशन पी इज इकल टू वी स्क्वायर आर अगेन हमारा बेस फॉर्मूला क्या है पी इजिकल टू वी आई इस बार मैं ओम्स लॉ से V के जगह किसको रिप्लेस कराऊंगा I को ना V इजिकल टू आई आर मुझे पता है ओम्स लॉ यहाँ से I की वैल्यू क्या आएगी V बाई आर इस V बाई आर को उठा के रख दो यहाँ पर तो क्या होगा V P इज इकल टू वी इन टू वी बाई आर एंड वी इन टू वी गिव यू वी स्क्वायर बाई आर सो दिस वे हमने तीनों इक्वेशन यानी कि p इज टू वी आई पी टू आई एंड पी इजिकल टू वी स्क्वायर बाई आर कर दिया इसका जो एप्लीकेशन है दो जगह पे आता है एक डिराइव करने के लिए आता है और इसका मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस है, तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे करना है इसके क्वेश्चंस को सो एंड फाइनली अगर मैं बोलूँ वॉट इज मेन बाय सेइंग हंड्रेड वॉट जिस जैस ए लॉजिकल क्वेश्चन तो हंड्रेड वॉट मतलब क्या हुआ दैट दैट पर्टिकुलर अप्लायंस इज यूजिंग हंड्रेड जूल्स ऑफ एनर्जी इन वन सेकेंड और इट इज़ डूइंग हंड्रेड जूल्स ऑफ वर्क इन वन सेकेंड सो बोथ द दिज यू कैन से इधर यू कैन से हंड्रेड जूल्स ऑफ वर्क इज डन इन वन सेकंड और हंड्रेड जूल्स ऑफ एनर्जीज कंज्यूम्ड इन सेकंड एंड फॉर एग्जाम्पल इफ आई से एलेक्ट्रिकल अपलाइंस इज हैंग द पॉर रेटिंग ऑफ थाउजेंड वाट्स थाउजेंड वाट्स का मतलब क्या हुआ थाउजेंड जूल्स इन वन सेकेंड अगर वो कह रहे हैं ट्वेंटी फाइव वाट्स ट्वेंटी फाइव वाट्स का मतलब क्या हुआ ट्वेंटी फाइव जूल्स इन वन सेकेंड ओके सो दिस वे यू हैव टू गो अलाउ सो अभी तक हमने देखा क्या क्या देख लिया हमने बेसिक डी मेरिट्स देख लिया सीरीज कॉम्बिनेशन का देन मेरिट्स देख लिया पैलल कॉम्बिनेशन का पैलल कॉम्बिनेशन का मेरिट्स के वजह से ही उसको डोमेस्टिक वायरिंग में यूज़ करते हैं देन वी हैव अंडरस्टुड अबाउट द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड थ्री फॉर्मूलाज ओके तीन फार्मूला हमने डराइव किया पी इज इकल टू वी आई पी इजिकल टू वाई स्क्वायर आर एंड पी इज इक्ल टू वी स्क्वायर बाय आर नाउ वी आर मूविंग आउट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज कोमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी ना कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में इट इज़ द वन विच वी हैव ऑलरेडी डन इट इन द नाइन्थ क्लास बस उसका एक थोड़ा सा एक्सटेंशन हम लोग पढ़ेंगे द वॉट हैपन्स इन द कमर्शियल ऑफ एनर्जी हमको पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या है ई अपॉन टी ये कहाँ से आया पी इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है डब्ल्यू को जगह मैंने ई e रख दिया सो पी इजिकल टू ई अपॉन्टी तो यहाँ से ई e का फॉर्मूला क्या तो e का आ गया पी एन टू टी इसको उधर बेच दो ठीक है तो ई का फॉमूला आ गया पी एन टू टी सो पावर होना चाहिए किलो वॉट में और टाइम होना चाहिए आर में सो so, अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस है जिसकी पावर रेटिंग एक किलो वॉट है और अगर वो एक घंटे के लिए यूज़ किया है तब उसने जो एनर्जी कंज्यूम की होती है उसकी वैल्यू होती है वन किलो वाट आवर और इस वन किलो वाट आर को ही कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बोला जाता है सो वन किलो वाट आवर इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन अप्लायंस ऑफ वन किलो पावर यूज फॉर वन आवर जब भी कोई एक किलो वाले पावर वाले अप्लायंस को जब आप एक घंटे यूज़ करते हो उसने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की होती है वो है होती है वन किलो वाट आर और वन किलो वाट आर ही आपका क्या है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी ध्यान रखिएगा इट इज़ किलो वाट आर किलो वाट पर आर नहीं है इट इज़ किलो वाट आर के डब्ल्यू एच सो आई हैव क्लियरली मैंशन ईयर द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलो वॉट आर ऑन वॉट इज द डेफिनेशन वेन वन किलो वाट आर वन वैन वन किलो वाट अपलायंस इज यूज फॉर वन आर द एनर्जी कंज्यूम्ड इज वन किलो वाट आर समाइम्स इन न्यूमेरिकल्स दे आस्क यू वट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन किलो वाट आर एंड जूल्स सो ये भी हमने पहले सीखा हुआ है कि एक किलो वाट में कितने जूल्स होते हैं थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन दर सिक्स जूल्स होता है सो दिस विल हेल्प यू इन द न्यूमेरिकल फॉर्मैट एंड यू ऑल्सो नो दैट कि एक यूनिट को हम किस रेफर करते हैं वन किलो वाट आर से रेफर करते हैं ओके ना विल स्टेप ऑन टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जिसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोला जाता है इसको आपको um, जब क्वेश्चन आएगा सो दे विल विल आस्क दे से एक्सप्लेन जूज लॉ ऑफ हीटिंग ओके तो इसका बेसिक क्या है बेसिक फंडा यहाँ पे क्या लग रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है हीट एनर्जी में और इसका इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है करंट में ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो पोल्यूशन होता है यानी कि रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस में एनर्जी डिसिपेट होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी और हीट एनर्जी क्योंकि हीट एनर्जी निकल रही दैट इज वॉट इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्योंकि करंट ही किसको प्रोड्यूस कर रहा है हीट को प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि जैसे ही करंट जा रहा है कंडक्टर के थ्रू वहाँ पे क्या हो रहा है कोलिजन और कोलिजन की वजह से उस फ्रिक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है क्या क्या डिसिपेट हो रहा है क्या रिलीज हो रहा है हीट एनर्जी रिलीज हो रही है सो टेक्निकली करंट ने हीट एनर्जी को डेवलप किया वहाँ पे सो दिस इज वॉट वी स्टडी इन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अब उसको थोड़ा एक टेक्निकल लैंग्वेज देना होगा अब वो देखिए कैसा है वेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर ऑब्वियसली हाई रेजिस्टेंस वायर दोगे तभी कोलिजन ज़्यादा होगा और तभी वैल्यू ऑफ करंट तभी वैल्यू ऑफ हीट ज़्यादा होगा सो वेन करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर द वायर बिकम्स हॉट एंड प्रोड्यूस हीट और वो जो हीट है दैट हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड टाइम फॉर विच द करंट इज पास्ट ओके i'll repeat again when a current is passed through a high resistance wire like nichrome then the wire becomes hot quite general and it produces heat the the heat that is produced that is directly proportional to the square of current value of resistance and the time for which the current is passed so heat produced is directly proportional to i square r and t so technically h directly proportional to i square rt therefore h is equal to i square rt यहाँ पे हम लोग एक कांस्टेंट के ले सकते हैं के की वैल्यू वन डाल सकते हैं वो मैंने दिखाई नहीं यहाँ पे बट अल्टीमेटली आपके पास फॉर्मूला क्या आ रहा है h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी दिस इज वॉट द फॉर्मूला फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ध्यान क्या रखना है की वर्ड्स देखे करंट इज पास थ्रू हाई रेजिस्टेंस वायर ओके एंड वायर बिकम्स हॉट एंड प्रोड्यूस हीट और वो जो हीट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थ्री फैक्टर्स करंट स्क्वायर ऑफ करंट रेजिस्टेंस एंड टाइम अब मुझे ये प्रूफ करना मुझे आपको इसको डिराइव करना एच इजिकल टू आई स्कोर आर टी को डिराइव करना तो डेरिवेशन देखिए मैंने कैसे किया अगेन सबसे बेस फॉमूला क्या हमारा वी इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू ये हमने सबसे पहले वाले क्लास में जो किया था वहाँ से मैं डब्ल्यू का फॉर्मला लेकर आता हूँ वी इन क्यू मैंने कुछ नहीं किया बस क्यू को आप क्या कर देंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे सो डब्ल्यू इजिकल टू वी इन क्यू आ गया ओके okay? अब आपको पता है वी की वैल्यू क्या आई आर कहाँ से आया ओम्स लॉ आई की वैल्यू क्या है क्यू बाई टी यहाँ से मैं क्यू की वैल्यू निकालता हूँ आई इन टी कैसे टी को उधर भेज दो तो Q की वैल्यू आ जाएगी आई एनटिटी नाउ वॉट यू डू पुट द वैल्यू ऑफ V एंड पुट द वैल्यू ऑफ Q इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ V आई गेट आई इन आर एंड इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ Q आई गेट आई इन टू टी आई और आई मेरे को आई स्क्वर दे देगा आर दे देगा टी देगा और यहाँ पे जो W है वर्क डन है और वर्क डन और एनर्जी इक्वल होता है तो मैंने वर्क डन को क्या रेफर कर दिया हीट एनर्जी रेफर कर दिया तो अल्टीमेटली हीट एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी मैंने प्रूव कर दिया सो so, ये जो क्वेश्चन आता है ये फाइव मार्कर में आता है एक न्यूमेरिकल भी साथ में होता है और वो क्या देता है स्टेट एंड डिराइव जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का स्टेटमेंट तो आपका ये पड़ा हुआ और आपने डेरीवेशन यहाँ पे कर लिया ओके अगेन दी एसआई यूनिट इज जूल्स और अगर आप फॉमूला में देखोगे स्क्वायरिंग है तो अगर करंट को आप डबल कर दोगे तो हीट चार टाइम्स हो जाएगा फोर टाइम्स हो जाएगा क्वाइट नेचुरल स्क्वायरिंग कर देंगे और अगर आप करंट को हाफ कर दोगे तो एनर्जी बिकम्स वन बाय फोर टाइम्स तो ये लॉजिकल क्वेश्चन समटाइम्स देट ओके ना द फाइनल टॉपिक और द फाइनल थेरेटिकल एस्पेक्ट इज़ वॉट एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ना यू नो दैट यू नॉट बी डूइंग इट फॉर लाइक द फॉर दर्स्ट टाइम यू ऑलरेडी नो दैट जितने भी हमारे हीटिंग अपलाइंसिस होते हैं उसी में हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूज़ करते हैं सो इट इज़ यूज इन दी वर्किंग वर्किंग ऑफ हीटिंग अपलाइंसिसाइक इलेक्ट्रिक ओवन इलेक्ट्रिक हीटर इलेक्ट्रिक आयन बॉक्स इन सब में क्या है दे ऑल वे दे ऑल हैव अ

द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी विच इज बेसिकली किलोवाट आर देन वी हैव डिफाइंड इट एंड वी हैव ऑल्सो अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉमर्शियल ऑफ एनर्जी एंड जूल्स देन वी अंडरस्टूड अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वॉट इज अज बेसिक रीजन कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो कोल्यूजन होता है कोल्यूजन की वजह से एनर्जी डिसिपेट होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी और वो जो एनर्जी डिसिपेट हो रहा है वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है वैल स्क्वायर ऑफ़ करंट पे डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पे डिपेंड कर रहा है सो इट इज़ डायरेक्टली पोपोजल टू आई आर एंड टी राइट सो एच इजिकल टू आई आई स्क्वायर आर टी और उसको हमने डिराइव भी किया यहाँ पे राइट डिराइव करने के लिए वही बेस इक्वेशन पे हमने कवर अप किया एंड देन वेन वी फाइनली कंक्लूडेड वी कंक्लूडेड विद एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट सो थियोरिटिकल एस्पेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी स्क्योरिंग राइट एंड न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो और ज़्यादा स्कोरिंग है बिकॉज आपको बस थोड़ा लॉजिक अप्लाई करना पड़ता है वंस यू अप्लाई द लॉजिक थिंग्स बिकम्स वेरी सिंपल ओके सो फ्रॉम द थरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू चैप्टर इज़ फिनिश्ड आई विल कम अप विद वन मोर वीडियो विच एक्सप्लेन्स द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक विच वी हैव डन टूडे कॉमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिक पावर एंड द हीटिंग एफेक्ट ऑफ करंट ओके सो यहाँ तक आप प्लीज़ नोट्स बना के रखिएगा सारे कोई भी स्पेसिफिकलिटी uh, uh, हो अगर कोई भी डाउट हो दाँ तो प्लीज़ डू आस्क मी बट मेक श्योर दैट योर नोट इज कंप्लीट एंड एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम ऑल्सो प्रैक्टिस विद दी न्यूमेरिकल्स ओके सो फॉर टुडे एज ऑफ नाउ वी आर जस्ट रैपिंग इट अप विद दिस थैंक यू सो मच एंड टेक केयर